मस्जिद इमाम बारगाह बनवाना है, बनवाओ। मेरी बात नहीं है, कोई किताब की बात, लेकिन बस अंदाज जरा सा अलग है। हमारे यहाँ हजरी मस्जिद जब पुरानी थी तो भी हमने देखा, जब वो शहीद की गई जहाँ नमाज होती थी सामने को क्रॉस करके, यहाँ पे आए सकीना नहीं थे। पहले जो महफिल थी हम आए नमाज ऐसे ही और भी होंगे पांच। एक और चलिए पंजतन के मानने वालों ने पांच बड़ी जगह बना ली, मगर उन्हीं मानने वालों से एक सवाल ये है कि ये बताइए हमारा स्कूल कितना था। जब जाता हूँ भाई निकलने बड़ी खुशी होती है तो कैसे थे क्या थे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो बिल्डिंग देख के बड़ी खुशी होती है। लोगों ने बहुत देखिए निकालिएगा मस्जिद नहीं बनवाना चाहिए, ये इमाम बारगाह में फोकस किया, ऐसा कुछ नहीं। और कहीं भी जगह कोई ये कह दे अरे मस्जिद बहुत हो गई है गलत, नहीं इमाम बारगाह नहीं ये सब चीज, मगर उसके साथ साथ हमारा जो बच्चा है वो अगर खाने में भी आए तो कम से कम अपने बनाए हुए स्कूल में भी तो जाए, ताकि हमारी ये शिकायत दूर हो जाए कि प्रिंसिपल साहब हमारी शरीयत में इज्जत जायज नहीं है, हमारी शरीयत में ये जायज नहीं है, अपना स्कूल बना लो, अपनी पढ़ाई भी करो और शरीयत को भी पढ़ाओ। अधिकार है बहुत रहा तो हमने महसूस ये किया, अक्सर लोग कहते हैं हमारी बच्ची डांस कॉम्पिटिशन में इतना नहीं लेगी, परेशान हो रहा है लेना पड़े सारे बच्चे ले रहे हैं क्यों नहीं ले हम नहीं, ये हमारी मजबूरी क्यों आ गई, क्या इतने कम हो गए। मैंने ये जो पांच हजार खाने पड़े हैं इसकी मिसाल इसलिए थी, और ये भी बताया कि ऐसे नहीं थे कि मंदिरा हैदरी मस्जिद है कि नहीं है, ठीक है पहले नहीं थी ना, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक का मिजाज है कि वो दे, पब्लिक इस बात पे तैयार है कि वो खड़ी हेल्प लेकर के चेक भी लेकर के पैसा भी लेकर के बस कोई कलबे शादी बंद करके खड़ा हो जाए। जरूरत इस बात की है कि कोई कलबे शादी बंद करके समाज में खड़ा हो जाए, वरना पब्लिक के पास बैंक बैलेंस इतना है कि वो अगर आना और मस्जिद के साथ साथ अपने बच्चों के लिए स्कूल भी बना हुआ देखना चाहिए।